हिमाचल प्रदेश के जिला परिषद चुनावों में ऊना में भारतीय जनता पार्टी ने जीत का परचम लहराया है। ऊना में 17 में से 9 सीटों पर जीत हासिल कर चेयरपर्सन की सीट पर बीजेपी का कब्जा हो गया है। वहीं कांग्रेस को 5 सीटों से संतोष करना पड़ा, जबकि एक सीट शिवसेना के खाते में गई। इसके अलावा 2 सीटों पर आजाद उम्मीदवार निर्वाचित हुए। जिला परिषद के साथ साथ BDC चुनावों में बीजेपी ने लगभग 2/3 से जबरदस्त जीत हासिल की है। जिला परिषद के अंतिम चुनाव में बीजेपी ने जीत दर्ज की। ये सीट महिला SC रिजर्व है। जीत के बाद नीलम कुमारी जिला परिषद के चेयरमैन बनने जा रही है। जीत के बाद वित्त आयोग अध्यक्ष और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने इसे कार्यकर्ताओं और जनमानस की जीत बताया और लोगों द्वारा बीजेपी में विश्वास बताया है। वहीं जिला परिषद में बेहतर प्रदर्शन को लेकर बीजेपी ने विजय रैली भी निकाली है। जितने भी ग्राम पंचायतों के नगर परिषद और नगर पंचायतों के चुनाव हिमाचल प्रदेश में हुए हैं और उसके साथ साथ पिछले कल से जो ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी जो जिला परिषदों के रिजल्ट्स आ रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी ने पूरे हिमाचल प्रदेश में बहुमत में सीटें हासिल की हैं और विशेष रूप से ऊना जिला की 5 ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी में मेजॉरिटी में भारतीय जनता पार्टी के लोग जीत करके आए हैं। और आज जिला परिषद का जो अंतिम परिणाम निकला है 17 सीटों में से 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष की हैं और उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के ही चेयरमैन ऊना जिला में बनेंगे और नीलम जी जो हमारे साथ हैं ये चाटगढ़ ग्राम पंचायत जो हमारी जिला परिषद पड़ती है रायपुर सोड़ा वहाँ से जीत करके आए हैं और हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला की इस बार जो जिला परिषद की चेयरमैन की सीट है वो महिला आरक्षित है। तो महिला आरक्षित के नाते मेजॉरिटी हमारे पास है, महिला जो जीत करके आई हैं और 3000 से ज़्यादा वोटों से जो जीती हैं तो भारतीय जनता पार्टी का जिला ऊना की जिला परिषद के ऊपर कब्जा हुआ है। उसके लिए मैं तमाम कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बधाई देता हूँ जिन्होंने मेहनत की और ऊना की जनता को बधाई देता हूँ कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास प्रकट किया है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं।